नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम पढ़ेंगे इकाई चार कथनी और करनी। तो मानव जीवन प्रभु की अनमोल देन है। सभी प्राणियों में मनुष्य को प्रभु ने विशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की है जो अन्य किसी प्राणियों को नहीं दी है, इसीलिए वह संसार में बहुत ही अच्छे ढंग से जीवन यापन करता है। मगर सभी लोग हर समय सही काम नहीं करते हैं। कई बार मनुष्य कहता कुछ है और करता कुछ है। कई मनुष्यों की कथनी और करनी में अंतर देखने को मिलते हैं। कथनी किसे कहते हैं? तो जो कहा जाता है उसे कथनी कहते हैं, और करनी जो किया जाता है उसे करनी कहते हैं। इस बात को प्रस्तुत निबंध में उजागर किया है। ईश्वर ने मनुष्य को सभी प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है। श्रेष्ठ यानी कि उत्तम, कई गुणों से उसे संवारा है। इसका उसे अभिमान भी होता है, परंतु स्वयं को गुणों की खान समझने वाला व्यक्ति कई बार ऐसे कार्य करता है जिन्हें वह गलत बताता है। कथनी और करनी में अंतर के ऐसे कई उदाहरण रोज देखने में आते हैं। बस्ती यानी कि नगर के बीच सरकार ने पार्क बनाने की जगह छोड़ रखी थी। बरसात के मौसम में मोहल्ले के एक सज्जन को उसमें फूलों के पौधे लगाने की सूझी। बारिश का मौसम आया तब एक सज्जन था, उन्हें लगा कि इसमें मैं फूलों के पौधे लगा लूं। बात तो अच्छी थी, वे कहीं से पौधे लेकर आया, कतार से उन्हें रोपा, उसकी देखभाल की। पौधे बड़े हो गए। कुछ दिनों बाद उसमें फूल खिलने लगे तो पार्क अच्छा लगने लगा। मोहल्ले के लोग सुबह शाम पार्क में टहलने लगे। पार्क अच्छा बना इसलिए सब लोग आके टहलने लगे। फूल सबको अच्छे लगते हैं क्योंकि फूलों से अच्छी अच्छी सुगंध आती है। तो पार्क में लोगों के आने जाने से उन्हें यह लगा कि लोग इन फूलों को तोड़कर ले जाएंगे। उस सज्जन को ऐसा लगा कि ये लोग टहलने आते हैं तो वो फूल तोड़ के ले जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक तख्ती के ऊपर यह लिखकर टांग दिया कि फूल तोड़ना मना है। आते आते सब उसको पढ़ते, कोई भी फूलों को नहीं तोड़ता। पर मजे की बात तब सामने आई जब लोगों ने तख्ती लगाने वाले सज्जन को बड़े सवेरे जल्दी जल्दी फूल तोड़ते देखा। तो वे अपनी शर्म मिटाने के लिए बोले कि पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। तो तख्ती लगाई उन्होंने किसके लिए? दूसरों के लिए, अपने लिए तो कुछ भी नहीं। तो ऐसे कथनी और करनी हमें देखने को मिली इस उदाहरण के द्वारा। आगे बसों में लिखा होता है धूम्रपान करना निषेध है। एक बार यात्रा करते हुए देखा कि एक यात्री ने बीड़ी जलाई और पीने लगा। यह देखकर कंडक्टर ने कहा, भाई साहब बस में बीड़ी सिगरेट पीना मना है। उसने जलती बीड़ी खिड़की के बाहर फेंकवा दी। कंडक्टर ने क्या किया, वो भाई साहब बीड़ी पी रहा था, उसके पास से बीड़ी लेकर खिड़की के बाहर फेंकवा दी। थोड़ी देर बाद कंडक्टर ड्राइवर के कैबिन में जाकर बैठा, सिगरेट जलाई और दोनों पीने लगे। एक दूसरे यात्री ने यह देखा तो लिखे हुए वाक्य की तरफ इशारा करते हुए कंडक्टर से कहने लगे, भाई साहब बस में सिगरेट पीना मना है। तो इस पर वो दूसरे भाई ने बोला तो कंडक्टर शीघ्र बोल उठा, यह वाक्य आपके लिए है न कि हमारे लिए। तो ये जो लोग कहते कुछ है और करते कुछ है, नियम सबके लिए है, लेकिन क्या है कि हमारे लिए तो कुछ भी नहीं, दूसरों के लिए नियम, यही सोच मनुष्य के मन में रह जाती है। आगे एक व्यक्ति दुकान पर गया, स्कूटर दुकान के सामने खड़ा कर ही रहा था कि दुकानदार बोला, आप अपना स्कूटर वहाँ सामने वाहन रखने के स्थान पर खड़ा करके आए। सज्जन ने कहा, मुझे ज़्यादा समय तक थोड़े ही रुकना है, मैं तो सामान लेकर अभी चला जाऊँगा।
दुकानदार बोला, पर दुकान के सामने 20 सड़क पर स्कूटर खड़ा रखना कोई ठीक बात नहीं है। तो सज्जन ने स्कूटर वाहन खड़ा करने के स्थान पर ले जाकर खड़ा किया और वापस आकर सामान खरीदने लगे। इतने में स्कूटर लेकर एक दुकान पर एक लड़का आया। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा करके वह दुकान के अंदर चला गया। इस पर उस सज्जन ने दुकानदार से कहा, आपने इसे मना नहीं किया? वह बोला, यह तो मेरा बेटा है। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आदर्श की बातें करते हैं, लेकिन जब उन्हें अपनाना पड़े तो वे आदर्श भूल जाते हैं। एक दिन एक सज्जन के घर उनके मित्र मिलने आए। दोनों मित्र बातचीत में मग्न थे कि किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने खिड़की से झांक कर देखा तो बाहर मकान मालिक खड़ा था, जो पिछले 4 माह का किराया मांगने बार बार आ रहा था। उन्होंने अपने बच्चे को समझाकर बाहर भेजा। जब बच्चा बाहर गया तो मकान मालिक ने उससे कहा, तुम्हारे पिताजी से कहो कि मैं मकान का किराया लेने आया हूँ। बच्चे ने तपाक से जवाब दिया, पिताजी ने कहा है कि वे घर पे नहीं हैं। बच्चे की बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगा। घर में बैठे मित्र भी के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई, जिसे देखकर वे सज्जन पानी पानी हो गए। पानी पानी होना यानी कि बहुत लज्जित होना। आगे एक सज्जन के ने अपने पोते को यह सिखाया था कि हमें किसी काम को गलत ढंग से नहीं करना चाहिए, सब काम अच्छे तरीके से ही करने चाहिए, सदा अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। प्रतीक्षा प्रतीक्षा यानी कि इंतजार। तो एक दिन की बात है, वे जल बिजली के बिल जमा कराने गए, साथ में उनका 8 वर्षीय पोता भी था। बिल जमा कराने वालों की लंबी कतार देखकर वे कोई उपाय सोचने लगे। उन्होंने खड़े हुए लोगों को ध्यान से देखा। आगे ही एक परिचित व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया तो वे तुरंत उसके पास गए और बोले, बेटा ये बिल तुम घर पर ही भूल आए, लो इसको भी जमा करा दो। वे व्यक्ति कुछ बोले उससे पहले ही बिल व राशि यानी कि रकम उसके हाथ में थमा दी और एक तरफ जाकर खड़े हो गए। पोता यानी कि पुत्र का पुत्र बार बार कहने लगा, दादाजी लाइन में लगी ना। तो उनकी बात सुनकर लोग हंसने लगे। तो कहीं ऐसे लोग होते हैं जो आदर्श की बातें तो करते हैं पर उन्हें अपनाते नहीं हैं। इस प्रकार का आचरण अच्छा नहीं होता। ऐसे आचरण करने वालों को कभी सम्मान नहीं मिलता, वे हंसी के पात्र बनते हैं। इसलिए हमें कथनी और करनी में सदैव समानता रखनी चाहिए। हो कथनी करनी एक समान, जग में मिलता तब सम्मान। हो जिसकी कथनी यानी कि जो कहता है और करनी यानी कि जो करता है, जो कहता है वही वो करता है, तो दो एक साथ करता है वो उस व्यक्ति को ही जगत में सम्मान मिलता है। तो इस इकाई के द्वारा कई मनुष्यों की कथनी और करने में जो अंतर देखने को मिलता है, इस बात को उजागर किया है।